हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू एलके एकेडमी। और आज जो हम लेक्चर देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का, वो है हमारे इम्पोर्टेंट बिल्स दैट हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट फॉर 2019 एंड 2020। ये आपको देखिए, सारी एग्जाम में ये जो बिल्स है वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो पहला ऐसा जो बिल है, अगर हम बात करें जुलाई 29 से, तो पहला जो ऐसा इम्पोर्टेंट बिल है हमारे लिए वो है पॉक्सो एक्ट के रिगार्डिंग। पॉक्सो एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसका बिल है, दैट इज नोन एज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019। देखिए, ये बिल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है राज्यसभा में। राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जुलाई 18, 2019, और राज्यसभा से पास ये हुआ है जुलाई 24, 2019, और उसके बाद उसको भेजा गया है लोकसभा में। तो कोई भी बिल एक्सेप्ट दी मनी बिल, मनी बिल के अलावा का कोई भी बिल आप दोनों में से ईदर ऑफ दी हाउसेज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा कोई चेन नहीं है कि पहले आपको लोकसभा में ही करना है या पहले आपको राज्यसभा में ही करना है। जस्ट फॉर मनी बिल, जो आपका अगर कोई भी जो आपका ड्राफ्ट है वो अगर मनी बिल के तौर पर अगर पहचाना जाएगा, उसको मनी बिल के तौर पर अगर मंजूरी दी जाती है, तो उसको कंपलसरी पहले लोकसभा में ही आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये बिल आपका जो था वो मनी बिल नहीं है, इसलिए उसको पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यसभा में। जैसे हाउस आवर्स की अवेलेबिलिटी होगी, जैसे हाउस की के पास समय होगा, उस हिसाब से ये बिल एक या दूसरे सदन में पेश किए जाएंगे। और ये बिल लोकसभा में देखिए कब से पास हुआ, ये बिल लोकसभा में पास हुआ 1 अगस्त 2019 को। ये बिल पास किया हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी जी, उन्होंने ये बिल लोकसभा में पेश किया। द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी ऑन जुलाई 18, 2019। द बिल अमेंड्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। The Act seeks to protect children from offences such as sexual assault, sexual harassment and pornography. तो ये जो POCSO Act है वो इसीलिए लाया गया है ताकि child pornography, child sexual offences को कम किया जा सके और उसके ऊपर criminal offences लगाया जा सके। 2012 में ये पहली बार लाया गया था और 2019 में उसमें बदलाव किए गए उस बिल में। तो क्या क्या बदलाव किए गए उसका एक टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, तो पहला जो मेजर बदलाव है वो है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज। ओके, अगर किसी भी बच्चे को 14 साल 15 साल के नीचे वाले जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी भी पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आपको 5 साल की सज़ा, जो भी गुनहगार है उसको 5 साल की सज़ा मिलेगी। तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2019 के बिल में भी उसको 5 साल ही रखा गया, जो मैक्सिमम यहाँ पे जो सज़ा थी वो 5 साल की थी, यहाँ पे उसको मिनिमम 5 साल की सज़ा देने का प्रावधान अब किया गया है। नेक्स्ट जो ऑफेंस था वो क्या था, यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज रिजल्टिंग इन पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट। मान लीजिए रेप हो गया या अगर पेनेट्रेशन होता है तो मिनिमम जो सज़ा थी वो 10 साल की थी, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। उसी को थोड़ा अमेंड करके जो मिनिमम थी वो 10 ईयर्स ही रहने दिया गया है। बट अगर 16 साल के कम के बच्चे के साथ अगर ऐसा कोई पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसके लिए जो सज़ा है वो मिनिमम कितने साल की कर दी गई है, 20 साल की कर दी गई है। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट हमको होता हुआ नज़र आया और मैक्सिमम जो सज़ा है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तीसरा जो ऑफेंस है वो है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज रिजल्टिंग इन एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर देखिए वो हिंसक टाइप की अगर प्रवृत्ति होती है, जैसे कि निर्भया केस में हुआ था, कि रॉड डाला गया था उस लेडी के शरीर में, तो अगर वैसा कोई ऑफेंस होता है तो यहाँ पे देखिए सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती थी। यहाँ पे मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड कर दी गई है। चौथा जो ऑफेंस है वो है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज रिजल्टिंग इन सेक्सुअल असॉल्ट। तो उसके लिए मिनिमम 6 ईयर्स एंड मैक्सिमम 8 ईयर्स को बदल कर मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर्स की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। Use of child for pornographic purposes resulting in aggregated sex assault
तो उसको मिनिमम 8 ईयर्स से बदलकर मिनिमम 5 ईयर्स कर दिया गया है और मैक्सिमम 10 ईयर्स से बदलकर मैक्सिमम 7 ईयर्स कर दिया गया है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो कौन सा है, ये जो डेथ पेनल्टी लगाई गई है। तो ये मेजर अमेंडमेंट है। और इसमें और एक अमेंडमेंट लाया गया है कि अगर आपको किसी भी भारत के नागरिक के पास अगर किसी भी फॉर्म में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल अगर पाया जाता है, वीडियो के फॉर्म में, फोटोज़ के फॉर्म में, डिजिटल या पेपर के फॉर्म में, तो उसको भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसको भी सज़ा दी जाएगी। क्योंकि उसको भी 5 साल की सज़ा हो सकती है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा उसको हो सकती है या तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, द एक्ट पिनलाइजेज स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल फॉर कमर्शियल पर्पजेज विथ अ पनिशमेंट ऑफ अप टू 3 ईयर्स और अ फाइन और बोथ। ठीक है, या तो 3 ईयर्स की सज़ा हो सकती है, या तो फाइन हो सकता है, या तो दोनों ही हो सकता है, जैसा कोर्ट डिसाइड करे। द बिल अमेंड्स दिस टू प्रोवाइड दैट द पनिशमेंट कैन बी इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 5 ईयर्स और अ फाइन और बोथ। इन एडिशन द बिल एड्स टू अदर ऑफेंसेस फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटीरियल इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। दिस इंक्लूड फेलिंग टू डिस्ट्रॉय और डिलीट और रिपोर्ट पोर्नोग्राफिक मटीरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, एंड सेकेंड इज ट्रांसमिटिंग, डिस्प्लेइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग सच मटीरियल एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग इट। ठीक है, तो अगर आप रिपोर्ट के पर्पज़ के अलावा अगर किसी भी तरह से उसको सर्क्यूलेट करोगे, चाहे डिजिटल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक या ओवर ईमेल, अगर ऐसा कोई भी मटेरियल पकड़ा जाता है, साइबर सेल की ध्यान में आता है, तो यू आर परफॉर्मिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट 2019। ओके, पोर्नोग्राफिक पर्पज़ क्या हो गया? अंडर द एक्ट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज इफ ही यूजेज अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन। द एक्ट ऑल्सो पिनलाइजेज पर्सन हु यूज चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज रिजल्टिंग इन सेक्शुअल असोल्ट। ओके, जिसको हम यौन शोषण कहेंगे। तो अगर उसमें किसी तरह से भी अगर बच्चे का इस्तेमाल होता है, किसी तरह से भी अगर बच्चा इन्वॉल्व है, देन द पर्सन इज क्रिमिनल ऑफेंडर अंडर दी पॉक्सो एक्ट। दी बिल डिफाइंस चाइल्ड पोर्नोग्राफी एज एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्शुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज फ्रॉम दी एक्चुअल चाइल्ड। ओके, चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और देखिए, क्यों ये टॉपिक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको चाइल्ड और महिला के डेवलपमेंट के लिए पूछे जाएंगे, और उसमें ये एक माइलस्टोन बिल साबित हुआ है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019। जो हमें माहिती का अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार जो हमें मिला हुआ है, उसमें काफ़ी बड़े चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किए गए। ओके, और इसके अंडर मिनिस्ट्री कौन सी होगी? ये मिनिस्ट्री होगी पर्सनल ग्रीवियंसिस एंड पेंशन मिनिस्ट्री। तो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, देखिए, ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में 19 जुलाई को, लोकसभा से पास हुआ है 22 जुलाई को, और राज्यसभा से ये पास हुआ है 25 जुलाई 2019 को। ओके, तो सूचना अधिकार पहली बार कब लाया गया था? यूपीए रजीमे वन के टाइम लाया गया था, जब मनमोहन सिंह की पहली सरकार थी उस टाइम पे ये अधिकार लाया गया था 2005 में। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि भाई कॉमन पब्लिक को जब भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर या लीडर से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो छुपी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो करप्शन था उसको रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये जो बिल है वो लाया गया था। ये बिल पेश किया हमारे जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में। द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाई द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसिस एंड पेंशन मिस्टर जितेंद्र सिंह ऑन जुलाई 19, 2019। इट सिक्स टू अमेंड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये 2005 का जो सूचना का अधिकार है उसमें बदलाव करेगा। टर्म ऑफ इंफर चेंजेस क्या क्या है उसके उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला चेंज है रिलेटेड टू टर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जैसे इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसी तरह से यह है इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अंडर द एक्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको हम कहेंगे CIC,
मुख्य सूचना आयुक्त, ओके, या तो मुख्य सूचना अधिकारी एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयुक्त आर अपॉइंटेड एज एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. द एक्ट स्टेट्स दैट द सीआईसी एंड अदर आईसीज अपॉइंटेड एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स. तो 2005 का जो एक्ट था उसमें ये कहा जा रहा था कि भाई जो भी सूचना आयुक्त होंगे उनको फिक्स टर्म 5 साल के लिए उनको अपना टेन्योर दिया जाएगा, उनको सीआईसी या आईसी बनाया जाएगा. बट जो अमेंडमेंट किया गया है उसके हिसाब से द बिल रिमूव्स दिस प्रोविजन एंड द स्टेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द सीआईसी एंड द आईसी. तो अब जब उनका उनको नियुक्त किया जाएगा सीआईसी या आईसी की पोस्ट पर, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि भाई उनका जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा, 7 साल का होगा, 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, या एनी अदर टर्म. ओके, सो पहले जो फिक्स 5 साल का टर्म था उसको बदल कर अब वो जो पावर था वो किसको दे दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर दे दिया गया है. दूसरा चेंज क्या होगा, दूसरा चेंज होगा सैलरी में कुछ बदलाव किए गए हैं. ओके, सो 2005 का जो एक्ट था वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि द एक्ट स्टेट्स दैट द सैलरी ऑफ द सीआईसी एंड द आईसीज विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. तो पहले ये कहा जा रहा था कि भाई जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसकी सैलरी, पर्क्स, ये सारी चीज़ें किसके हिसाब से होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर की होगी. जितना पैसा, पर्क्स, सहूलियतें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है उतनी ही सारी चीज़ें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलेगी, एंड सेम फॉर इलेक्शन कमिश्नर्स इक्वल टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. ओके, सिमिलरली द सैलरी ऑफ द सीआईसी एंड आईसीज विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली. ओके, अब इसको बदल के क्या कर दिया गया है, इसको बदल के ये कर दिया गया है कि ये सैलरी भी अब कौन डिसाइड करेगा, ही सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होगी. कोई फिक्स सैलरी नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उस सैलरी को ऊपर नीचे बढ़ा या घटा सकती है. द बिल सिक्स टू अमेंड दिस प्रोविजंस टू स्टेट दैट द सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट सीआईसी एंड आईसीज विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. पहला जो था वो सीआईसी एंड आईसी की टर्म में अमेंडमेंट किया गया, दूसरा है उनकी सैलरी को भी अमेंड किया गया, तीसरा क्या है, डिडक्शंस इन सैलरी. तो देखिए 2005 में जो प्रोविजन था वो क्या था, द एक्ट ऑफ 2005 स्टेट्स दैट दी एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीआईसी एंड आईसीज इफ दे आर रिसीविंग पेंशन और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस देयर सैलरीज विल बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पेंशन. ओके, मान लीजिए कि अगर कोई पुराना जज है और उसको 50,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, और अगर जो मुख्य सूचना आयुक्त है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनकी सैलरी है मान लीजिए 2,50,000 रुपये, बट उसको 2,50,000 के सामने ऑलरेडी 50,000 पेंशन मिल रहा है, तो क्या कर दिया जाएगा, उसकी सैलरी उसको 2,00,000 रुपये ही दी जाएगी, क्योंकि 50,000 तो उसके पास ऑलरेडी पेंशन आ रहा है. तो टोटल जो सब हो गया वो अब 2,50,000 रुपये हो गया. 2005 के हिसाब से ये किया जाता था. अब क्या किया जाएगा, प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूड सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश अंडर अ सेंट्रल और स्टेट लॉ, और गवर्नमेंट कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. इनमें अगर इनके अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयज होंगे और अगर आपको पेंशन आ रहा है तो वो पेंशन आपकी करंट सीआईसी या आईसी की सैलरी से घटा दिया जाएगा. बट ये पूरा का पूरा प्रोविजन 2019 के अमेंडमेंट में हटा दिया गया है. ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो जितनी भी सैलरी है वो कौन डिसाइड करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीआईसी एंड आईसी. तो इस प्रोविजन का वैसे ही कोई मतलब नहीं रहता है. ओके, तो उसको इस पूरे के पूरे जो प्रोविजन है उसको हटा दिया गया है. नेक्स्ट जो हमारा बिल है दैट इज ऑल्सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट बिल, एंड दैट इज इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019. जो अंतर्राज्य जल विवाद होते हैं कि भाई ये नदी अगर दो एक से ज्यादा स्टेट्स में अगर बह रही है तो कितना पानी, ओके, कितना क्यूबिक मीटर वाटर किसको मिलेगा, वो कैसे डिसाइड होगा. तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से, नर्मदा ले लीजिए, कावेरी ले लीजिए, गोदावरी ले लीजिए, यमुना ले लीजिए, तो इन सारी
ये सारी नदियां जहां से बह रही है एक से ज्यादा स्टेट्स में, उन हर स्टेट के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ओके, अगर कभी किसी स्टेट ने डैम बना दिया तो झगड़े होते हैं कि भाई डैम से आप पानी रोक लोगे, आगे आगे वाले स्टेट को क्या मिलेगा या पीछे वाले स्टेट को क्या मिलेगा। तो ऐसे झगड़े आए दिन होते रहते हैं। इसका जनरली इसके लिए जनरली अब तक क्या होता था, हर एक नदी के वाटर डिस्प्यूट के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल बनाई जाती थी। तो ये जो नया बिल लाया गया है वो इसलिए लाया गया है कि अलग अलग ट्राइब्यूनल को मर्ज करके एक सेंट्रल ट्राइब्यूनल बना दिया जाए, एंड दैट सेंट्रल ट्राइब्यूनल विल सॉल्व दी विल लुक इन टू दी एंटायर वाटर डिस्प्यूट्स फॉर ईच एंड एवरी रिवर। ओके, चलिए, तो ये जो बिल पेश किया गया वो किसकी तरफ से पेश किया गया? वो पेश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस। इंट्रोड्यूस किया गया 25 जुलाई को लोकसभा में, और लोकसभा से ये पास हुआ 31 जुलाई 2019 को। ओके, अभी तक देखिए ये राज्यसभा में नहीं पहुंच पाया है क्योंकि अभी ये सिलेक्ट कमिटी के पास है, कुछ तो उसमें बदलाव की और ज़रूरत है, उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो दिस इज स्टिल एंड ड्राफ्ट। ओके, ये अभी भी बिल है, ये एक्ट नहीं बना है। ओके, चलिए, और इसको पेश किया है हमारे जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन जुलाई 25, 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसको लोकसभा में प्रेजेंट किया। इट अमेंड्स द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। देखिए, आज़ादी के 6-7 सालों में ही हमें ज़रूरत पड़ गई थी कि भाई हम ऐसे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। अंडर द एक्ट स्टेट गवर्नमेंट मे रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिफर एन इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट टू अ ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन। तो अगर किसी एक से ज़्यादा स्टेट, मान लीजिए कोई गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में अगर कोई किसी रिवर को लेकर अगर वाटर डिस्प्यूट है, तो दे कैन रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन ट्रिब्यूनल। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द डिस्प्यूट कैन नॉट बी सेटल थ्रू नेगोसिएशन, इट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट विद इन अ ईयर ऑफ रिसीविंग सच अ कंप्लेंट। द बिल सिक्स टू रिप्लेस दिस मैकेनिज्म। अब हर स्टेट अगर ऐसा ट्रिब्यूनल की मांग करता रहेगा तो इस पूरे ही प्रोविजन को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्या लाया गया है उसकी जगह से। सो अंडर दिस बिल व्हेन अ स्टेट पुट्स इन अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एनी वाटर डिस्प्यूट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी टू रिजोल्व अ डिस्प्यूट एमिकेबली। द डीआरसी विल कंप्राइज ऑफ अ चेयरमैन एंड एक्सपर्ट्स विथ एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट सेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक पूरी कमिटी एस्टेब्लिश की जाएगी जिसको वाटर रिलेटेड इश्यूज के साथ एक्सपीरियंस होगा। इट विल ऑल्सो कंप्राइज वन मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट, और जो कि होगा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का IAS ऑफिसर हो सकता है। ओके, हु आर पार्टी टू द डिस्प्यूट टू बी नॉमिनेटेड बाई द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। The DRC will seek to resolve the dispute through negotiations within 1 year, extendable by 6 months. तो जिस दिन से ऐसी कमिटी सेटअप होती है उसके एक साल के अंदर अंदर कमिटी को इसका सल्यूशन लाके देना है। ड्यू टू सम रीजन्स अगर एक साल के अंदर अंदर अगर सॉल्यूशन रीच नहीं होता है तो उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करनी पड़ेगी, वो सबमिट करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इफ अ डिस्प्यूट कैन नॉट बी सेटल्ड बाई DRC, इफ अ डिस्प्यूट कैन नॉट बी सेटल्ड बाई द DRC, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिफर टू इट द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल। सच रेफरल मस्ट बी मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम DRC। तो देखिए, पहले क्या होता था, सीधे ही ट्राइब्यूनल सेटअप कर दी जाती थी। अब ट्राइब्यूनल से पहले और एक स्टेप होगा जो कि पूरी तरह से नॉन जुडिशियल बॉडी होगी। ओके, ट्राइब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बट जो कमिटी होगी DRC जो होगी डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन कमिटी, इट्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट टाइप की एक कमिटी होगी जो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगी। अगर वो सल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल फॉर्म अ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या है? द
द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप एन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स. दिस ट्राइब्यूनल कैन हैव मल्टीपल बेंचेस. ऑल एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स विल बी डिजॉल्व. देखिए ये आपको याद रखना है, ऑल एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स विल बी डिजॉल्व एंड द वाटर डिस्प्यूट्स पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर सच एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू ट्राइब्यूनल. तो अब एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइब्यूनल बनाई जाएगी जो सबके लिए एक होगी. उसकी बेंचेस अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकेगी, बट सेंट्रल ट्राइब्यूनल एक ही होगी. ऐसा नहीं कि कावेरी के लिए अलग ट्राइब्यूनल है, नर्मदा के लिए अलग ट्राइब्यूनल है, या गोदावरी के लिए अलग ट्राइब्यूनल है, या कृष्णा के लिए अलग ट्राइब्यूनल है. हर नदी के लिए एक ही सेंट्रल वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल होगी. ओके, तो दिस इज द मेजर चेंज अंडर दिस बिल. कंपोजिशन ऑफ द ट्राइब्यूनल वो कैसे होगा, तो कौन कौन होगा ट्राइब्यूनल में. द ट्राइब्यूनल विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, थ्री जुडिशियल मेंबर्स जो कि रिटायर्ड जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, एंड थ्री एक्सपर्ट मेंबर्स जो कि वाटर रिलेटेड सेक्टर्स में जिन्होंने काम किया हो. दे विल बी अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी. और सिलेक्शन कमिटी राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज से बनी होगी, जिसमें डिफरेंट पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे. ईच ट्राइब्यूनल बेंच विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन और अ वाइस चेयरपर्सन, अ जुडिशियल मेंबर एंड एन एक्सपर्ट मेंबर. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑल्सो अपॉइंट टू एक्सपर्ट्स सर्विंग इन द सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस एज असेसर्स टू एडवाइज द बेंच इन इट्स प्रोसीडिंग्स. द असेसर शुड नॉट बी फ्रॉम द स्टेट विच इज अ पार्टी टू द डिस्प्यूट. और टाइम फ्रेम क्या रहेगी इसके लिए. अंडर द एक्ट द ट्राइब्यूनल मस्ट गिव इट्स डिसीजन विद इन 3 ईयर्स विच मे बी एक्सटेंडेड बाई 2 ईयर्स. तो जो भी डिसीजन होगा वो 3 साल के अंदर अंदर देना होगा, जिसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है. एक्सटेंड कौन करेगा, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट. अंडर द बिल द प्रपोज्ड ट्राइब्यूनल मस्ट गिव इट्स डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट विद इन 2 ईयर्स विच मे बी एक्सटेंडेड बाई अनदर ईयर. अंडर द एक्ट इफ द मैटर इज अगेन रिफर्ड टू द ट्राइब्यूनल बाई अ स्टेट फॉर फर्दर कंसिडरेशन द ट्राइब्यूनल मस्ट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो अगर उसको रिव्यू के लिए दिया जाता है तो वो रिव्यू 1 साल के अंदर अंदर करके उसका रिपोर्ट बनाकर किसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. और ये काम किसका होगा, सेम ट्राइब्यूनल की सेम बेंच का. दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो फाइनल अथॉरिटी एक्सटेंशन की किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. द बिल अमेंड्स दिस टू स्पेसिफाई दैट सच एक्सटेंशन मे बी अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स. और एक एक समय में 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया जाएगा. उसके बाद अगर वापस नीड लगती है कि भाई इसको वापस बढ़ाना है, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड अगेन ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल होगा, चलिए तो वो कैसे और क्या काम करेगा. अंडर द एक्ट द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल मस्ट बी पब्लिश्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट. ओके, जब ऑफिशियल गैजेट होगा तब उसको सारे स्टेट्स को मानना पड़ेगा. दिस डिसीजन हैज़ द सेम फोर्स एज दैट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो उसको सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर जितना ही इम्पोर्टेंस मिलेगा जो कि गैजेट में पेश किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा. द बिल रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ सच पब्लिकेशन. तो ये जो नया बिल, अब तक क्या होता था कि भाई ऐसा गैजेट में पब्लिकेशन करना जरूरी था, उस पूरे ही प्रावधान को अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है. इट एड्स दैट द डिसीजन ऑफ द बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट. तो अब गैजेट में पब्लिश करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही ट्रिब्यूनल अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, उसी मिनट से, उसी टाइम फ्रेम से वो सारे स्टेट्स, जो भी इन्वॉल्व्ड पार्टीज है, जितने भी स्टेट्स है उनके लिए वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगी. द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक सच अ स्कीम टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल. द बिल इज मेकिंग इट्स मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक सच स्कीम. ओके, ताकि स्कीम बनाने से क्या होगा, ऑन ग्राउंड अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया जा सकेगा, जो पूरा मैकेनिज्म है. ओके, तो ये हो गया आपके सारे डिटेल्स रिगार्डिंग द वाटर डिस्प्यूट टर्मिनल ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट. चलिए नेक्स्ट जो हमारा बिल था, दैट इज ऑल्सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट बिल फॉर अस, और वो था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019. इसको प्रेजेंट किया गया
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जिसको हम गृह मंत्रालय कहेंगे, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में। 5 अगस्त को ये राज्यसभा में पेश हुआ और 5 अगस्त को विदाउट एनी डिस्कशन ये पास भी हो गया। ओके, काफी हंगामे में इसका डिस्कशन हुआ था इफ यू रिमेम्बर। और 6 अगस्त को दूसरे ही दिन ये लोकसभा में पास हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैप में आपको दिखाया है कि पहले ये जो बोरा, देखिए इसमें देखिए पीओके भी आ जाता है, दिस इज द एरिया ऑफ लाइक समथिंग पीओके। ओके, इतना एरिया किसके पास है? पीओके के पास है। और इतना जो एरिया है वो किसके पास है? अक्साई चीन है। तो इसको भी हम तो इसको अपने ही एरिया मानते हैं आज भी, राइट? बिकॉज उन लोगों ने अनऑफिशियली उसको ऑक्यूपाई करके रखा है, पाकिस्तान और चाइना ने रिस्पेक्टिवली। सो ये पूरा नया मैप है जिसको पब्लिश कर दिया गया है, एंड दिस इज अवर नाउ न्यू मैप फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और उनको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। चलिए, तो ये जो बिल है वो पेश किया है हमारे होम मिनिस्टर ने, मिस्टर अमित शाह ने। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019 बाई द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर अमित शाह। द बिल प्रोवाइड्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीर इनटू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो 2 UTs बना दी गई है, और कश्मीर को जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे उन सबको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। बिफोर एंड आफ्टर से समझ लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए हमने ये पहले भी पढ़ा है, दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन। ओके, क्विक रिविजन। तो आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 355A हटाने का मतलब क्या है? तो आर्टिकल 355A लाया गया था थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954, जिसके थ्रू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस मुहैया करवाए गए थे, उनको स्पेशल प्रोविजंस मिल रहे थे। अब जैसे ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाके 355A को हटा दिया गया है और आर्टिकल 371 को हटा दिया गया है, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस कश्मीर को मिल रहे थे अब तक, वो सारे ही अब मिलने क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। देखिए बिफोर 5 अगस्त क्या होता था? स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज बाई J&K, पॉलिटिकल पावर्स हो गए, जुडिशियल पावर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गए, तो वो सारे उनको मिलते थे, वो सारे अब क्या हो जाएंगे? नो स्पेशल पावर्स नाउ आफ्टर दिस स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370। तो पहला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका ड्यूअल सिटीजनशिप। अब तक जम्मू कश्मीर के सिटीजन और जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन थे, वहाँ के जो परमानेंट जो रहवासी थे, उन लोगों के पास स्टेट सिटीजनशिप और नेशनल सिटीजनशिप होती थी, जैसा कि USA में होता है, राइट? उसको भी अब मिटा के क्या कर दिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप कर दिया गया है। अब हर किसी की नागरिकता क्या होगी? भारतीय, इंडियन सिटीजनशिप। ओके, सेपरेट फ्लैग फॉर जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था पहले, अब क्या हो गया है? ट्राई कलर विल बी दी ओनली फ्लैग। अब जम्मू कश्मीर का कोई अलग फ्लैग वहाँ पे इनफोर्स नहीं रहेगा। आर्टिकल 356 नॉट एप्लीकेबल, अब से आर्टिकल 356 भी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 360 जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉट एप्लीकेबल, तो अगर देश में कितनी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती थी वो जम्मू एंड कश्मीर को अफेक्ट नहीं करती थी, उसको जितना पैकेज मिलना चाहिए उतना उसको हमेशा मिलता था, उसमें कोई कटौती नहीं होती थी। आर्टिकल 360 विल बी नाउ एप्लीकेबल। ओके, तो अब जैसा बाकी राज्यों के साथ बर्ताव किया जाएगा, वैसा ही बर्ताव जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी होगा। वहाँ की माइनॉरिटीज़ को अब तक कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था, अब से वहाँ की माइनॉरिटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर जो प्रावधान है, हर जो आर्टिकल है, उसके हिसाब से उन लोगों को वहाँ पे रिजर्वेशन मिलने लगेगा। और जम्मू एंड कश्मीर में देखिए माइनॉरिटीज़ में कौन है? हिंदूज़ है, जैन है, पारसीज़ है, क्रिश्चियन है, तो इन लोगों को सारे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम दी अदर स्टेट्स कैन नॉट बाई लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अब तक अगर मुझे और आपको अगर जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीदनी है या परमानेंटली सेटल होना है, तो दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस, जो कि आफ्टर 5 अगस्त अब ये ऑप्शन हमारे पास है। पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स विल नाउ बी एबल टू परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन J&K। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में अभी हमने बात की, ओके, सूचना का अधिकार, वो वहाँ पे लागू नहीं होता था, अब से वो भी वहाँ पे लागू हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन होता था वो अब तक कितना होता था? 6 साल का होता था, जो अब क्या हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में जम्मू एंड यूनियन लद्दाख यूनियन टेरिटरी में असेंबली
की सिस्टम नहीं होगी। ओके, तो ये देखिए दोनों जो यूनियन टेरिटरी है उसमें बेसिकली फर्क क्या होगा कि जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, देखिए ये पूरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर में जाएगा। ओके, जो मैं आपको देखिए अभी हाईलाइट करके जो दिखा रहा हूँ, दैट इज एंटायर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ओके, और अभी ये जो दो हिस्से मैंने जो करके आपको दिखाए हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट। एंड ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो पार्ट जो अभी है वो पाकिस्तान के पास है, बट उसको अभी भी हम अपना ही पार्ट गिनते हैं। और उसकी जो सारी जो असेंबली की सीट्स है, लोकसभा की सीट्स है, वो अभी भी इसके लिए क्या रखी जाती है, खाली रखी जाती है। सो आफ्टर दी बाइफर्गेशन इन टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर जो होगा उसके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जैसी दिल्ली के पास है, जैसी पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के पास है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी। जैसा मॉडल पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का है, वैसा ही मॉडल कहाँ का होगा, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का होगा। एक सीएम होगा, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा लद्दाख में भी और जम्मू एंड कश्मीर में भी। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो पीरियड होगा वो 6 साल से घटकर अब क्या हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। अभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही नियुक्त हुए हैं, अभी तक वहाँ पे कोई गवर्नमेंट आई नहीं है। चलिए, तो ये हो गई आपकी बात जम्मू एंड कश्मीर, और उनकी उसकी दो सिंगल स्टेट से क्या कर दिया गया है, दो यूनियन टेरिटरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया है। द बिल रीऑर्गेनाइजेज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के विथ लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल कंप्राइज कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल कंप्राइज द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसके बाद आपके लिए मैं होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अब तक क्या था, कच्छ इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, बट अब कच्छ नहीं है, अब कौन सा बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन इंडिया में एज ऑफ नाउ, वो आपको ढूंढ के मुझे बताना है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल कंप्राइज कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के विल कंप्राइज द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के विल बी एडमिनिस्टर्ड बाई द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाई हिम नोन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, किरण बेदी, जो कि रिप्रेजेंट करती है प्रेसिडेंट को, मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को बैक एंड में। ओके, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्टर्ड बाई द प्रेसिडेंट थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाई हिम। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर को सीएम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जबकि लद्दाख में सीएम नहीं होगा, सारा का सारा जो अथॉरिटी होगी वो किसकी होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जिसको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगी, द बिल प्रोवाइड्स फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली विल बी 107। ऑफ दिस 24 सीट्स विल रिमेन वैकेंट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो 24 सीट जो असेंबली में खाली रखी जाएगी, ठीक है, तो वो पीओके के मेंबर्स के लिए रखी जाएगी। जब आने वाले टाइम में जब पीओके वापस इंडिया का हिस्सा बनेगा, तब वो 24 सीटें भरी जाएंगी। फर्दर सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन द असेंबली फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन एडिशन द लेफ्टिनेंट गवर्नर मे नॉमिनेट टू मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर ठीक से नहीं हो रहा है वैली में, तो वो अपने हिसाब से उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। द असेंबली विल हैव अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट समन द असेंबली एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स। तो 6 महीने में एक बार असेंबली का मिलना जरूरी है, और असेंबली के जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 5 साल का। द लेजिस्लेटिव असेंबली मे मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। तो देखिए पुलिस और पब्लिक ऑर्डर का जो का उसके रिलेटेड जो भी लॉज होंगे वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लॉज है वो सीधे सीधे वहाँ पे लागू होंगे, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और बाकी यूनियन टेरिटरीज में होते हैं।
और सेकंड, एनी मैटर इन दी कॉन्करेंट लिस्ट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट यूनियन टेरिटरीज के रिलेटेड है उसके रिलेटेड असेंबली लॉ बना पाएगी। फर्दर पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक लॉज इन रिलेशन टू एनी मैटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, तो दिस इज क्वाइट एन ईजी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ मैं आपको आगे मेंशन करना भूल गया, अब हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, डिट्टो टू डिट्टो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर में एज इट इज अप्लाई होगा। कोई भी स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर को अब नहीं मिलेंगे। हाई कोर्ट कौन सी होगी? द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। फर्दर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जे एंड के विल हैव एन एडवोकेट जनरल टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि मैंने आपको आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जम्मू एंड कश्मीर में से लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अपॉन डिसोल्यूशन ऑल बिल्स पेंडिंग इन द काउंसिल विल लैप्स। तो जो भी बिल्स काउंसिल के पास पेंडिंग पड़े हुए थे वो क्या हो गए, सारे लैप्स हो गए। अगर उसको वापस मतलब एक्ट बनाना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, नई लेजिस्लेटिव असेंबली जो आएगी, वापस वो बिल प्रेजेंट करने पड़ेंगे इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसको फिर भेजा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, उसके बाद ही वो एक्ट बनेंगे। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको इस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड याद रखनी है। और एक होमवर्क मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि आपको जो भी यूनियन टेरिटरीज है ओके इंडिया में, वो कौन से स्टेट की हाई कोर्ट में के ज्यूरिडिक्शन के अंडर आती है, उसकी एक लिस्ट आपको बना के रख देनी है। ओके, जीपीएससी, यूपीएससी या क्लास 1 2 3 4 किसी भी एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि सो एंड सो यूनियन टेरिटरी फॉल्स इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सो एंड सो स्टेट, तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वो लिस्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, और ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई है, दिस इज जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए बात कर लूँगा, वो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ओके, देखिए क्या विवाद हुआ था इस पे, इस बिल पर, कि भाई आपने 35A का जो आर्टिकल है उसको ऐसे कैसे हटा दिया आपने, राइट? उसको आप ऐसे एक बिल ला के नहीं हटा सकते, वो तो परमानेंट प्रोविजन था। तब जाके हमारे होम मिनिस्टर ने संसद में बताया कि इट वाज नॉट अ परमानेंट प्रोविजन। जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया तभी उसमें लिखा गया था कि भाई दिस इज द टेम्पररी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी की वजह से द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 इश्यूड बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाई क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। वाइल दिस प्रोविजन रिमेन्स इन दिस स्टेट्यूट बुक, इट हैज़ बीन यूज टू विड्रॉ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 35A स्टेम्स फ्रॉम आर्टिकल 370 एंड वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954। तो जैसे उसको लाया गया था उसी सेम तर्ज पे उसको हटाया गया, ठीक है ना? अगर किसी चीज़ को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लाया जाता है तो उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही हटाया गया। आर्टिकल 350 डज नॉट अपियर इन द मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 35 इज फॉलोड बाई आर्टिकल 36 बट अपियर्स इन अपेंडिक्स 1। तो ये जो 35A है वो कहाँ अपियर करते हैं? मेन बॉडी में नहीं है, वो जोड़ी हुई, जब अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो जोड़ी हुई बॉडी में आर्टिकल 35A आपको मिलेगा इन द अपेंडिक्स 1। आर्टिकल 355A एम्पावर्स द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट एंड देयर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। नाउ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हैज एक्सटेंडेड ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 355A आर नाउ द प्रेसिडेंट में ऑल्सो विड्रॉ आर्टिकल 355A। तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन अब तक हो रहा था और लोगों के साथ, राइट? क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली ये डिसाइड करती थी कि भाई ये बंदा हमारे स्टेट में रहेगा और ये बंदा हमारे स्टेट में नहीं रहेगा, उसको प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया है, हटा दिया है। दिस प्रोविजन इज करेंटली अंडर चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इट कुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 एंड नॉट थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370।
तो काफ़ी सारे पार्टीज है जो अपोजिशन की, उन लोगों ने इकट्ठा होकर एक अपील डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो हटाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट विल फर्दर चेक दिस एंड पब्लिश देयर जजमेंट. अभी तक इट इज़ अ पेंडिंग जजमेंट, इट जो अभी की पाइपलाइन में है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई जजमेंट नहीं दिया है, तो इट इज़ स्टिल अवेटेड. ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और देखिए कोई भी नेक्स्ट एग्जाम ले लीजिए उसमें किसी ना किसी तरह शॉर्ट में या लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा. लिख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019, और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है अगस्त 5 को, लोकसभा से पास हुआ है अगस्त 5 को, और राज्यसभा में ये बिल प्रेजेंट हुआ है अगस्त 7 को. तो क्या है एक्चुअली ये बिल, कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी टोटल नंबर थे जो थे 30, ओके विथ इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है, 33 कर दिया गया है. उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 33. ओके तो सजेशन क्या थे, ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन टॉप प्रायोरिटी टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस करंटली एट 31, 30 जजेस प्लस वन सीजेआई. अब उसको क्या कर दिया गया है, 33+1 का जो फॉर्मेट है वो लाया गया है. तो ये रिकमेंड ऑलरेडी काफ़ी टाइम से सीजेआई ने देखे रखी थी, जो फॉर्मर सीजेआई थे राइट, रंजन गोगोई जी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिए थे. एंड रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 62 to 65 ईयर्स. तो एज ऑफ नाउ हाई कोर्ट के जो जजेस है उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, 62 ईयर्स है, जिसको बढ़ाने का रिकमेंडेशन दिया गया था, जो कि क्या था कि भाई 65 ईयर्स कर दी जाए. ऑल्सो और एक रिकमेंडेशन दिया गया था जो कि था रिवाइव प्रैक्टिस ऑफ टेन्योर अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिटायर्ड एससी एंड एचसी जजेस फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस. तो इतने सारे हमारे पास पेंडिंग केसेस पड़े, देखिए हाई कोर्ट्स में 43 लाख केसेस एंड सुप्रीम कोर्ट में 58,669 केसेस पेंडिंग पड़े हैं. तो उनको जल्दी से सॉल्व करने के लिए जो रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका एक स्पेसिफिक टेन्योर डिसाइड कर दिया जाए और उनको वापस सिस्टम में लाया जाए, ताकि ये जो बैकलॉग है उसको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके. इसमें से कौन से रिकमेंडेशन माने गए हैं, तो द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन अगस्त 5, 2019 बाई द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिस्टर रविशंकर प्रसाद. और यहाँ पे आपको उनकी फोटो दिख रही है. द बिल अमेंड्स द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956. देखिए 1956 से कोई नंबर चेंज नहीं किया गया था, इतने सालों बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है बाई 10%. ओके 30 थे उसमें से 3 का इजाफा किया गया, सो 10% इंक्रीज किए गए हैं. ओके द एक्ट फिक्सिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एट 30 जजेस एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. द बिल इंक्रीजेस दिस नंबर फ्रॉम 30 to 33. तो अब सुप्रीम कोर्ट में 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे और एक आपके होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 34. ओके तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. नेक्स्ट जो हमने जम्मू कश्मीर जैसा जो बिल देखा उसी के बेस पे और एक बिल है, एंड दैट इज द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019. तो ये जो दोनों यूनियन टेरिटरीज है, छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज है और गुजरात एंड महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे हुए हैं, उनको एक कर दिया गया है. दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके क्या कर दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है. ये बिल है जो वो भी लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा. ओके ये इंट्रोड्यूस किया गया 26 नवंबर 2019, पास हुआ लोकसभा से 27 नवंबर को और राज्यसभा से ये पास हुआ 3 दिसंबर को. देखिए यहाँ पे मैंने ये उनके एरियाज दिखाए हुए हैं. तो इस ये करने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इजी बनाया जा सके, जो पेपर वर्क है दोनों यूनियन टेरिटरीज का इट इज़ क्वाइट सिमिलर. तो जो भी ओवरलैपिंग जो भी कामकाज है गवर्नमेंट का उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके. दैट इज़ द ओनली पर्पस फॉर दिस मर्जर. द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाई द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर अमित शाह ऑन 26 नवंबर. द बिल प्रोवाइड्स फॉर द मर्जर ऑफ बोथ द यूनियन टेरिटरीज इन टू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी. देखिए अब
रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा कैसा होगा? तो एज ऑफ नाउ दोनों यूनियन टेरिटरीज से एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है। जब मर्ज हो जाएगा तो एक एक की जगह दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाएंगे। द फर्स्ट स्केड्यूल टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 प्रोवाइड्स वन सीट इन लोकसभा टू ईच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। द बिल सिक्स टू अमेंड द स्केड्यूल वन टू अलोकेट टू लोकसभा सीट्स टू द मर्ज्ड यूनियन टेरिटरी। तो नंबर्स में कोई फर्क नहीं होगा, जस्ट जो फर्स्ट स्केड्यूल है जहां दोनों यूनियन टेरिटरीज को एक एक सीट दी गई थी, उसको मर्ज करके अब वहां में नंबर क्या कर दिया जाएगा, दो कर दिया जाएगा। ओके चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या करना पड़ा इसके लिए? द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट द टेरिटरीज दैट कम अंडर वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज। तो उनकी जो सारी लिस्ट है वो फर्स्ट स्केड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगी। द बिल अमेंड्स द फर्स्ट स्केड्यूल टू मर्ज द टेरिटरीज ऑफ द टू यूनियन टेरिटरीज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। द मर्ज टेरिटरी विल फॉर्म द यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखिए ये पूरा ही उसका नाम हो जाएगा अब, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दिस इज द एंटायर नेम फ्रॉम नाउ ऑन। दिस विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द डे नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये दिन है 26 जनवरी 2020। हमारा जो रिपब्लिक डे था उस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई ये इनफोर्स हो जाएगा, इन टू अफेक्ट हो जाएगा। तो ये डेट आपको खास याद रख लेनी है, 26 जनवरी 2020 से दोनों यूनियन टेरिटरी एक हो गई है। ओके, अफेक्ट में आ चुकी है। आर्टिकल 241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूटीज इंक्लूडिंग द यूटीज ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। The bill amends the article to replace these two UTs with the merged UT. और हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो कौन सा रहेगा? तो दोनों ही जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो the case will go to बॉम्बे हाई कोर्ट, ओके, नॉट टू द गुजरात हाई कोर्ट। ये चीज़ आपको खास याद रखनी है। जनरली हमें क्या लगेगा कि भाई ये बॉर्डर शेयर करता है गुजरात के साथ, तो वो गुजरात हाई कोर्ट में उसका ज्यूरिडिक्शन होगा, बट गुजरात हाई कोर्ट का कोई ज्यूरिडिक्शन वहाँ पे नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट का वहाँ पे ज्यूरिडिक्शन चलेगा। ओके चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, एंड दैट इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। उसको भी रिप्रेजेंट किया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से, और इस पर काफ़ी बवाल चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में 9 दिसंबर को, पास भी हो गया 9 दिसंबर को लोकसभा से, और राज्यसभा से पास हो गया 11 दिसंबर को, जिसको हम कहेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, क्योंकि ये दोनों सदनों से पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया गया है। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो ये है क्या, जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड जो माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियसली परसिक्यूटेड मतलब कोई दूसरे देश में कोई माइनॉरिटीज़ रह रही है और उनको धर्म के नाम पर अगर हैरान परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनको इंडिया में बुलाकर उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और इसके लिए तीन कंट्रीज चुने गए हैं, जो कि है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब जब ये तीनों कंट्रीज के मैं नाम बोलूंगा तो आपको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मेजोरिटी जो है दैट इज मुस्लिम मेजोरिटी। तो वहां पे रिलीजियसली परसिक्यूटेड किसको किया जाएगा? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो इन्हीं छः जो आपकी माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में ऐड किया गया है। ओके, और उसके लिए जो डेट डिसाइड की गई है वो है 31 दिसंबर 2014। उससे पहले अगर कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कोई हिंदू, कोई सिख, कोई बुद्धिस्ट, कोई जैन, कोई पारसी या कोई क्रिश्चियन अगर हिंदुस्तान में आ चुका होगा तो उसको विदाउट एनी हेजल इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ओके चलिए, इंक्लूड कौन कौन नहीं है इसमें? तो मुसलमान इंक्लूड नहीं है और श्रीलंकन तमिल इंक्लूड इसमें नहीं है। रिसेंटली द पार्लियामेंट पास्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 विच रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट टू बिकम एन एक्ट। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप मे बी अक्वायर्ड। इट प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बाई बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी इन टू इंडिया। अब ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आप अपने पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो,
ओके, और ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि भाई सिटीजनशिप बाई बर्थ का क्या मतलब है, डिसेंट का क्या मतलब है, रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है. ओके, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. इन एडिशन टू दिस, इट रेगुलेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI कार्ड होल्डर्स एंड देयर राइट्स. इसकी भी हम ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं. एंड OCI इज एंटाइटल्ड टू सम बेनिफिट्स सच एज अ मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पज, लाइफ लॉन्ग वीजा टू विजिट इंडिया. तो ये सारे अमेंडमेंट अभी रिसेंटली किए गए हैं, जिसकी हमने आई गेस एक दो लेक्चर पहले डिटेल में चर्चा करी है. एन इलीगल माइग्रेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप. एन इलीगल माइग्रेंट इज अ फॉरेनर हु ईदर एंटर्स इंडिया इलीगली, मीनिंग विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाइक वीजा और पासपोर्ट, और एंटर्स इंडिया लीगली बट स्टेज बियॉन्ड द टाइम पीरियड परमिटेड इन देयर ट्रैवल डॉक्यूमेंट. एन इलीगल माइग्रेंट कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एंड डिपोर्टेड और इम्प्रिजेंट. तो उसको जेल भी हो सकती है या उसको सीधा सीधा डिपोर्ट भी किया जा सकता है, जैसा कि आसाम में NRC के साथ जो हुआ. ओके, इन सेप्टेम्बर 2015 एंड जुलाई 2016 द गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बींग इम्प्रिजेंट और डिपोर्टेड. दीज आर इलीगल माइग्रेंट्स हु केम इन टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऑन और बिफोर डिसम्बर 31, 2014 एंड बिलोंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटीज. अब देखिए, यहाँ पे विरोध ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट रिलीजियन के बेस पे बाइफरगेट कर रही है, जो कि वायोलेट करता है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है राइट टू इक्वालिटी. अब जब मैं इन तीनों देशों की बात करता हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप खुद सोचिए, वहाँ पे किसी को मुस्लिम धर्म प्रीच करने से रोका जाएगा क्या? अगर मैं मुस्लिम धर्म फॉलो करता हूँ तो मुझे हैरा परेशान किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि ये तीनों जो कंट्रीज हैं, उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम धर्म को एज ऑफिशियल रिलीजन अपनाया हुआ है. वहाँ पे अगर किसी को ऑन ग्राउंड लेवल किसी को परसिक्यूट किया जाएगा, तो वो तो कौन होगा? जो अदर रिलीजन है उनको परसिक्यूट किया जाएगा, राइट? तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये तर्क है, ये लॉजिक है कि भाई इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है. अगर कोई पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी या बांग्लादेशी मुसलमान इंडिया में आना चाहता है, तो देर आर ऑलरेडी वैलिड चैनल्स अवेलेबल कि जहाँ से वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करके इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आई वॉन्ट टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया, प्लीज़ ग्रांट माई एप्लीकेशन. इंडियन गवर्नमेंट उसके बारे में सोचेगी और उसको फिर सिटीजनशिप दे दी जाएगी, राइट? तो उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इसीलिए इंक्लूड नहीं किया गया है. यही सारी चीज़ें हैं. द बिल अमेंड्स द एक्ट टू प्रोवाइड दैट द हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31st 2014 विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स. In order to get this benefit, they must have also been exempted from the Foreigners Act 1946 and Passport in Entry into India Act 1920 by Central Government. Okay, तो वो यहाँ इस पर भी follow नहीं करने चाहिए. The 1920 Act mandates foreigners to carry passport, while the 1946 Act regulates the entry and departure of foreigners in India. तो इन दोनों से उन लोगों को क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो लोग रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है. ओके, और ये कुछ बात की गई है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, एंड दिस इज जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी, क्योंकि हम आगे ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डीपली डिस्कशन कर चुके हैं. ओके, तो बेसिक जो चेंज किया गया है वो क्या किया गया है? फॉर दीज ग्रुप्स ऑफ पर्सन द 11 ईयर्स रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस टू 5 ईयर्स. तो पहले ऐसे जो लोग थे, जो लोग रिलीजियसली परसिक्यूट होके आते थे, उन लोगों के लिए 11 साल के बाद उनको सोचा जाता था कि भाई अब उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए. तो वो पीरियड को घटाकर अब कितना कर दिया गया है? 5 साल का कर दिया गया है. तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइंड थिंग फॉर यू. ओके, चलिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अमेंडेड एक्ट, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा ना? दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल थिंग एंड यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि एग्जाम में आपको यही चीज़ पूछी जाएगी. द प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप्स फॉर इलीगल माइग्रेंट विल नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, है ना? हमने देखिए जो बोडो क्राइसिस देखा, ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस देखा, तब हमने ये चीज़ देखी थी कि भाई जो CAA जो है वो कौन सी जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होगा. एप्लीकेबल नहीं होगा का क्या मतलब है?
कि CAA के अंडर में जो भी इंडियन सिटीजन बनता है वो इन एरियाज में जाके रह गुजर नहीं कर सकता, वहाँ पे वो परमानेंटली सेटल नहीं हो सकता या वहाँ पे जाके जॉब या बिजनेस नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? चलिए, CAA विल नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा इंक्लूडेड इन द सिक्स स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, पूरा मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा नहीं है, उनका वैसा ही एरिया जो सिक्स स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, ओके, जो कि इनर लाइन परमिट वाला जो एरिया है कि जहाँ जाने के लिए यू नीड स्पेशल परमिशन फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, वैसे एरियाज में CAA एप्लीकेबल नहीं होगा। दीज ट्राइबल एरियाज इंक्लूड कार्बी एंगलोंग इन आसाम, गारो हिल्स इन मेघालय, चकमा डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम एंड त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। ओके, फर्दर इट विल नॉट अप्लाई टू दी इनर लाइन परमिट एरियाज नोटिफाइड अंडर दी बंगाल ईस्टर्न फॉरेन फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। तो जिन एरियाज को, हो सकता है कि वो ट्राइबल एरियाज हो या इको सेंसिटिव जोन हो, तो वहाँ पे भी ये CAA पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको हमेशा एक इनर लाइन परमिट, स्पेशल परमिशन आपको हमेशा लोकल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। करेंटली दी परमिट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। एज ऑफ नाउ इन तीन स्टेट में अभी इनर लाइन परमिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर कुछ जो स्पेसिफाइड एरिया है वो आपको विजिट करने हैं। तो मणिपुर हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट अंडर द इनर लाइन परमिट थ्रू अ गेजेट नोटिफिकेशन ऑन द सेम डे द बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो देखिए, अब सारे ही जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, सारे ही स्टेट को किसी ना किसी तरह से CAA के अंडर लाया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एरियाज है वो या तो इको सेंसिटिव जोन है या तो ट्राइबल कल्चर वाइज वो ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसी वजह से वहाँ पे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो एक एक चीज़ आपको त्रिपुरा के बारे में याद, सॉरी मणिपुर के बारे में याद रखनी है कि भाई मणिपुर अब तक इनर लाइन परमिट में नहीं था, उसको इसी एक्ट के दिन इनर लाइन परमिट में क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है थ्रू दी गेजेट नोटिफिकेशन। ओके, चलिए, और ये सारी जो मैं आपको कंसर्न्स बता चुका वो यहाँ पे है कि भाई वो वायलेट करती है आर्टिकल 14 को, विच गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी एंड अप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, और आर्टिकल 15 एंड 16 विच ऑल्सो प्रोमिसज राइट टू इक्वालिटी एंड रिलीजियस इक्वालिटी। ओके, अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई NRC पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आसाम अकॉर्ड पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आसाम अकॉर्ड लाया गया था 1985 में, जब आसाम के लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि भाई इलीगल बांग्लादेशी आके आसाम में जॉब कर रहे हैं, स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको दे दिया गया है, तो उनको आसाम से निकालना चाहिए। और इसीलिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन किया था टू डिपोर्ट द इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम आसाम स्टेट। इट कॉन्ट्राडिक्ट द आसाम एकॉर्ड ऑफ 1985 विच स्टेट्स दैट इलीगल माइग्रेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन हीडिंग इन फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर मार्च 25, 1971 वुड बी डिपोर्टेड। तो यहाँ पे रिलीजियन की कोई बात नहीं की गई थी। अब जब CAA लाया गया है तो अब CAA के थ्रू क्या हो जाएगा कि 2014 31 दिसंबर से पहले आए हुए मुसलमान सिवाय के सारे लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। जस्ट डिपोर्ट किसको किया जाएगा, जो कि मुसलमान होगा, ठीक है ना। जो ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, सिर्फ मुसलमान जो है वो ओवरलैप हो रहा है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एंड दैट्स वाई दिस इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। क्रिटिक्स फर्दर आर्ग्यू दैट द एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ अपडेटिंग द NRC विल बिकम नल एंड वॉइड ड्यू टू दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो जो क्रिटिक्स है, अपोजिशन पार्टीज है, वो ये कह रही है कि भाई अब NRC करने का इसके बाद कोई मतलब नहीं रहेगा। देर आर एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इन असम एंड दे हैव इनएलियनेबली ऑल्टर्ड द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट बिसाइड्स पुटिंग अ सीवियर स्ट्रेन ऑन द स्टेट्स रिसोर्स एंड इकोनॉमी। तो ये तो कंसर्न की बात है, राइट। इलीगल बांग्लादेशी को बाहर निकालना जरूरी है, यही तर्क दिया हमारे होम मिनिस्टर ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, तो दीज आर सम ऑफ दी कंसर्न्स दैट हैज बीन रेज्ड अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड इन दी मीडिया। ओके, वो आपको एक्चुअली नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, बट दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज।
टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिनारियो परफेक्टली। ओके चलिए, अब एनआरसी क्या है? सो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951 इज अ रजिस्टर प्रिपेयर्ड आफ्टर द कॉन्डक्ट ऑफ द सेंसस ऑफ 1951 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच विलेज, शोइंग द हाउसेज और होल्डिंग इन अ सीरियल ऑर्डर एंड इंडिकेटिंग अगेंस्ट ईच हाउसेज और होल्डिंग द नंबर एंड नेम्स ऑफ पर्सन स्टेइंग देयर इन। ओके, तो एक पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जो बताता था कि भाई इस घर में इतने लोग रह रहे हैं, इस घर में के लोग रह रहे हैं, और सारी डिटेल्स जो कि सेंसस में अक्सर होती है। ओके चलिए, द एनआरसी वॉज पब्लिश्ड ओनली वंस इन 1951। 1951 के बाद जो दूसरी एनआरसी पब्लिश हुई वो सीधी कौन सी हुई? आसाम एनआरसी इन 2020, सॉरी इन 2019, 31 अगस्त। ओके चलिए, आसाम में एनआरसी क्यों लाया गया? तो ऑलरेडी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि द इश्यू ऑफ इट्स अपडेट अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस एज आसाम विटनेस्ड लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, है ना। 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और उस टाइम पे बांग्लादेश से काफ़ी लोगों ने इंडिया में मूव करना ठीक समझा था। नाउ दोज वर द इलीगल माइग्रेंट्स, तो इसीलिए, और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बांग्लादेश से सबसे बड़ा जो स्टेट नज़दीक में है वो कौन सा है जो अच्छा खासा डेवलप है नॉर्थ ईस्ट में, वो है आसाम। देखिए ये इतना छोटा सा बॉर्डर और यहाँ का बॉर्डर, तो दो जगह से आप आसाम में एंटर कर सकते हो, राइट। और इवन आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, राइट। तो बांग्लादेश से काफ़ी सारे इलीगल माइग्रेंट्स 1971 के बाद कहाँ पहुँच गए? आसाम में पहुंच गए। अब धीरे धीरे वो लोग वहाँ की ज़मीन हथियाने लगे, बिजनेस हथियाने लगे, उनके बच्चे वहाँ के स्कूल्स में पढ़ने लगे। तो यहाँ से आसाम के जो नेटिव सिटीजन्स थे उन लोगों में एक गुस्सा पैदा हुआ कि भाई ये लोग तो बाहर से आके रह रहे हैं और हमारे जो रिसोर्सेज उसको यूज़ कर रहे हैं, दैट शुडंट बी द केस। उन लोगों ने फ्रॉम 1979 टू 1985 काफ़ी वायोलेंट मूवमेंट चलाया आसाम में। क्यों? कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करके जो आसाम से लोग आए उनको बाहर निकालना चाहिए। 1979 में तो गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, 1985 आते तक जो मूवमेंट थी वो काफ़ी वायलेंट हो चुकी थी। ओके, काफ़ी आगजनी और ये सारे हादसे उस टाइम पे हुए थे, काफ़ी लोग, ज़्यादा लोग मारे गए थे उस टाइम पे। एट दैट टाइम देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक पैक्ट साइन किया जो मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनके साथ, आसाम गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इन तीन पार्टीज ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये कहा गया कि भाई एक आसाम एकॉर्ड बनाया गया है, और 25 मार्च 1971 से पहले अगर जो कोई भी आया है, ओके, तो उनको, सॉरी, 25 मार्च 1971 के बाद जो कोई भी इंडिया में आया है उसको क्या कर दिया जाएगा? इलीगल माइग्रेंट करार कर दिया जाएगा। ओके, तो वो कट ऑफ डेट आपकी डिसाइड की गई। ओके, तो ये हो गया आपका एनआरसी और जो आसाम एकॉर्ड का जो बैकग्राउंड था वो। ओके, अगर आपको कोई डेट वेट याद रखने की आसाम एकॉर्ड और एनआरसी के रिलेटेड कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस वॉज योर एंटायर लेक्चर। आई होप एवरी बिल एंड एक्ट इज नाउ क्लियर। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है जस्ट रीच आउट टू मी एंड वी विल सॉल्व इट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।